नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज हमारे सामने कोई भी कार नहीं है, कोई भी बाइक नहीं है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आए हुए हैं। तो हम लोग के सामने आज के डेट में अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे तो आपके सामने बहुत एक वीडियो वायरल हो रही होगी जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगी कि एक स्कॉर्पियो एन में कैसे वाटर लीकेज का प्रॉब्लम सामने आया हुआ है। इस मुद्दे को बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी उठाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिन्होंने ये वीडियो को शेयर किया, अरुण पवार के बारे में। तो अरुण पवार एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाए रखी हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं है केवल गाड़ी के नॉलेज के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं इंटरटेनिंग वीडियोज़ और गाड़ी के साथ गाड़ी का नॉलेज भी हम लोग को बताया करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो वो शेयर किया करते हैं, काफ़ी जॉली मूड के इंसान है और रेगुलर बड़े बड़े ट्रिप्स हमारा करते हैं, लद्दाख, स्पीति और कहाँ कहाँ बहुत लंबे लंबे वो अपने कार से ही ट्रिप्स कर दिया करते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था 2018 में अपनी जर्नी, 2018 या 19 में, कन्फर्म डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था उस समय अपनी जर्नी। जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था बलेनो के साथ, फिर उन्होंने बाइक किया सेल्टोस, फिर उन्होंने बाइक किया थार एंड अभी उन्होंने बाइक किया हुआ है स्कॉर्पियो एन। तो वो लगातार इन गाड़ियों से ट्रिप्स किया करते हैं। तो मेजर ट्रिप उन्होंने स्टार्ट किया था किया सेल्टोस के साथ, जब उन्होंने अपने अर्न मनी से बाई किया। तो किया सेल्टोस से आज तक उनको रिलेटेड उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उनका सनरूफ नहीं था उसमें। फिर उन्होंने थार लेकर लास्ट ईयर अगेन उन्होंने स्पीति वैली गए हुए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने कार को धोया था और अभी स्कॉर्पियो एन को भी उन्होंने वॉश किया था। तो अब ये हुआ अरुण पवार, हुई वॉश अरुण पवार। उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा पेज है, काफ़ी नामी इंसान है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, काफ़ी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैन बेस है उनका। अब हम लोग बात करते हैं सनरूफ के बारे में, सनरूफ होता क्या है। सनरूफ देखिए, अगर प्रैक्टिकल व्यू से कहा जाए तो सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ जो मिलता है वही प्रैक्टिकल रहता है क्योंकि खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जिस गाड़ी में आप देखते होंगे छोटा छोटा सनरूफ दिया जाता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो बस नाम के लिए सनरूफ डाल दिया जाता है, लेकिन लोग फिर भी लेते हैं क्योंकि पतले पतले लोग जो भी होते हैं वो उनको खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं होता है, वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि सनरूफ एक नाम से ही बिकता है कि उस गाड़ी में, मेरे गाड़ी में सनरूफ है। अब सनरूफ का प्रैक्टिकल चीज़, प्रैक्टिकल यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया जाता है सनरूफ का, यूज़ है कि गाड़ी खड़ी करके नॉर्मल बाहर निकलना, वही सनरूफ का कंपनी की तरफ से जो क्लेम रहता है कि वैसे ही सनरूफ को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंपनी से बात करूं, अगर सनरूफ का यूज़ केवल गाड़ी खड़ी करके फ़ोटो खिंचाना है, तो अगर मैं गाड़ी खड़ी करके बगल में भी फ़ोटो खिंचा लूँ तो कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है। कोई आप सनरूफ का यूज़ नहीं दिए, वो नाम के लिए छत हो गई, वो तो और रिस्की हो गई, कुछ गिर गया तो आपके सर में शीशा गड़ सकता है, वह सब अदरवाइज है, आज तक हुआ नहीं है, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी इंसान हिली रीजन में गाड़ी को लेकर जाता है तो उधर इस कम स्पीड में ही अगर गाड़ी से बाहर निकलता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि फ्रेश एयर लेने के लिए सनरूफ लोग लिए हुए हैं, तो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हिली रीजन में काफ़ी अच्छा से व्यू को एंजॉय कर सकें। तो यही हुआ सेम चीज़ अरुण पवार के साथ, उन्होंने वो अभी रिसेंट ट्रिप किए हुए थे स्पीति वैली के साथ, अभी भी उनका वो चल रहा है स्पीति वैली का ट्रिप का वीडियोस कम्प्लीटली, और वो काफ़ी परेशान हो गए अपने सनरूफ के साथ। वो जा रहे थे अपने भाई रवि के साथ, वो उनका जो भाई था वो सनरूफ के बाहर निकला हुआ था ताकि व्यू का एंजॉय कर सके, रील वगैरह बनाने का काम बहुत, मतलब रील वगैरह के काफ़ी शौकीन है, रील वगैरह बनाने लगे। तो अब मे भी हो सकता है कि उसके चलते उनका जो सनरूफ का बैंड था वो ढीला हो गया या फिर कैसे भी छूट गया होगा। तो एक पॉइंट अरुण पवार ने कहाँ रखा कि उन्होंने बोला कि सनरूफ का जो बैंड है इतना वीक क्यों दिया गया कि अगर इंसान के खड़े रहने से या फिर जैसे भी वो वीक हो जाए, या फिर दूसरा पॉइंट जैसे ही वो गाड़ी अपने वाटरफॉल के नीचे ले गए, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने थार भी लेकर आया था सेम वाटरफॉल के नीचे, इस ईयर भी स्कॉर्पियो एन के उन्होंने लेके आया सेम वाटरफॉल के नीचे, लेकिन वाटरफॉल जैसे ही नीचे आए वो सी सनरूफ के अंदर वो पूरा पानी गाड़ी के अंदर वो एंटर कर गया और वो काफ़ी परेशान हो गए। और जैसे ही वहाँ से वो उन्होंने गाड़ी को निकाला, उनका सनरूफ न बंद हो रहा था न खुल रहा था, वो पूरे ट्रिप वही खुले सनरूफ में करना पड़ा उन्हें, और कैसे कैसे जुगाड़ करके उन्होंने वो ट्रिप को कम्प्लीट किया है और अभी वो अपने घर पर हैं। तो ये सब अभी आज के सिनेरियो में चल रहा है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। अब यहाँ पर महिंद्रा का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस किया उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दिया और यूट्यूब पर भी उन्होंने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया ताकि स्कॉर्पियो एन में जो प्रॉब्लम आई हो वो लोगों तक हाईलाइट हो जाए। अब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम है केवल वो मैन्युफैक्चरिंग एरर है, फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी, पहली गाड़ी उनको मिली थी पूरी इंडिया में, फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी, फर्स्ट डे डिलीवरी हुई थी, तो हो सकता था, उन्होंने ये बोला कि पहली गाड़ी में
आपका प्रॉब्लम आ सकता है। क्या बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, हाईलाइट होता है, तो वो पहली लॉट की गाड़ी में आ सकता है, तो कंपनी को इसी से फीडबैक मिल के वो गाड़ी को सुधारते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उन्होंने इसलिए प्रॉब्लम को शेयर किया ताकि कंपनी सुधार सके। लेकिन कंपनी ने या फिर न्यूज़ ने इसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चालू कर दिया कि ये तो कंपनी को डिफेम कर रहे हैं, किया की तरफ से इन्होंने पैसा खाए हुए हैं, महिंद्रा को डिफेम करने में लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। भाई अगर इन्फ्लुएंसर है, अगर वो रियल प्रॉब्लम को सबके सामने नहीं लाएंगे तो वो इन्फ्लुएंसर किस काम के कहेंगे। तो यही उन्होंने किया, रियल चीज़ जो था उनके साथ उन्होंने फेस किया, उन्होंने सामने लाया। अब कितने लोग ये कहेंगे कि जब उन्होंने वीडियो लैंडस्केप मोड में बना रहे थे तब तो एक बार गाड़ी जाकर तुरंत वापस आ गई। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उन्होंने दो बार तीन बार गाड़ी को वाटरफॉल के अंदर लाए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने लाया ताकि पहली बार जब उन्होंने रियल वीडियो शूट किया, जो आप देखे होंगे सबसे पहली वीडियो जो उनके YouTube पर अपलोड हुई सनरूफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो उनका रियल वीडियो था। जैसे ही उन्होंने गाड़ी बैक किया वाटरफॉल के अंदर, वैसे ही पानी आया, जैसे तुरंत वो गाड़ी को आगे ले गए, अपने भाई रवि को उन्होंने बताया कि देखो सनरूफ का प्रॉब्लम ये आया, पानी अंदर एंटर कर गया, तो उन्होंने कंप्लीट शॉक हो गए। तो उसके बाद उन्होंने ये बताने के लिए इंस्टाग्राम रील शूट किया दोबारा से, सनरूफ उस गाड़ी को अंदर लेके गए, सनरूफ कंप्लीटली पैक्ड था गाड़ी का, तो वो जैसे ही अंदर गए वो रील बनाने के लिए था ताकि लोगों को ये बता सके कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रहा है और कंपनी इसको एज अ फीडबैक लेकर इसको अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो ठीक कर सके। तो उनका पॉइंट ये था, लेकिन इसको लोग अलग पॉइंट से ले लिए कि लोग वो अपने सनरूफ को ख़राब कर कर व्यूज़ के चलते ये कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल के कंटेंट के चलते कर रहे हैं ताकि उससे पैसा कमा कर, वो कितना ही खर्च होगा पैसे कमा कर, इसके 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, एक वीडियो के थ्रू वायरल हो जाएगा तो इतने पैसे कमा लेंगे, तो ये सच नहीं है। वो जस्ट अवेयर करने के लिए वो वीडियो अपलोड किए थे। अगर पैसे ही कमाने की बात होती तो उनके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटेंट्स हैं ताकि वो इससे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये एज ए सच बात नहीं है। अब यहाँ पर महिंद्रा का क्या काम था, महिंद्रा को कुछ नहीं करना था, बस उनको जैसे ही महिंद्रा तक वीडियो पहुंची होगी, महिंद्रा के पास तो वीडियो तुरंत पहुंच गई क्योंकि इनके सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर है जो तुरंत महिंद्रा से भी टाइप्ड होंगे, महिंद्रा के एम्प्लॉय भी होंगे, तो महिंद्रा तक तो वीडियो पहुंचनी थी। तो महिंद्रा का क्या काम था कि उनको वो कॉल कर सर्विस देना चाहिए था कि आपके क्या प्रॉब्लम हुए, हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए था, आपस में बैठ कर बात करना चाहिए था। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट महिंद्रा ने क्या किया कि महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन ले जाकर उसी वाटरफॉल के अंदर में दिखा रही है लोगों को कि देखिए मेरा सनरूफ, मेरी गाड़ी का सनरूफ तो लीक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर महिंद्रा अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की, ना ही कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पर महिंद्रा जस्टिफाई करने के चक्कर में अपनी सर्विस को भूल गई कहीं ना कहीं, और उस वही सर्विस को भूलने के चक्कर में ये कॉन्ट्रोवर्सी कम्प्लीटली क्रिएट हो गई, जो कॉन्ट्रोवर्सी अरुण पवार और महिंद्रा के बीच में भी चलने लगी है। और इसी बीच में कुछ कुछ लोग जो थे वो महिंद्रा को गलत साबित करने लगे, कुछ लोग अरुण पवार को गलत साबित करने लगे। तो अरुण पवार ने यह भी बोला कि उनकी ये पहली सनरूफ वाली गाड़ी थी इसलिए उनको सनरूफ से रिलेटेड इतना नॉलेज नहीं था, और उन्होंने कान भी पकड़ लिया इस बार कि आज के बाद वो सनरूफ वाली गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो महिंद्रा यहाँ पर जस्ट उनको क्या करना चाहिए था कि वो जैसे ही घर पर आते वो उनके साथ बैठकर डिस्कस करते या फिर जो भी प्रॉब्लम होता उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते, और अरुण पवार को ही बोलते कि जो भी प्रॉब्लम हुआ जैसे भी हुआ इसको हम लोग एज अ रिगार्ड लेते हैं, एज अ फीडबैक लेते हैं, और हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, और जो भी अगर पैसे भी लगते हैं तो वो अरुण पवार देने के लिए मुझे नहीं लगता है कि 1% भी झिझकते, क्योंकि उनको गाड़ी सही चाहिए रहता है, क्योंकि वो बहुत ऑफ रोडिंग भी करते रहते हैं, बहुत अलग अलग ट्रिप्स करते रहते हैं, तो उनके साथ अगर गाड़ी की प्रॉब्लम हो जाए और इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिस्क कहीं भी आ सकती है। तो वो महिंद्रा को सॉर्ट करना चाहिए था बैठ कर आराम से, और अरुण पवार के ऑफिशियल चैनल पर ही अगर इस चीज़ को महिंद्रा बुलवा देती कि देखिए हमारे महिंद्रा की सर्विस इतनी अच्छी है कि तुरंत जैसे ही वो घर पर आए तो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया गया। जैसा कि उनका स्टेयरिंग वाइब्रेट कर रहा था तो महिंद्रा तुरंत फीडबैक लेकर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट की, तो वहाँ पर महिंद्रा का काफ़ी अच्छा इमेज सामने आया था कि महिंद्रा का सर्विस बहुत अच्छा है, घर पर जाकर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट महिंद्रा ने कर दिया कि आप महिंद्रा को मैं ये बोलना चाहूँगा, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके मेन कंसर्न होने चाहिए कंज्यूमर, ना ही कि कंटेंट। तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप कंज्यूमर पर फोकस कीजिए, कंटेंट पर नहीं, आप सर्विस पर अपना फोकस कीजिए। अगर किसी
किसी को प्रॉब्लम आता है, आप गाड़ी बेच रहे हैं तो कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सॉर्ट आउट करना मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि आप उसके बदले आप अपनी गाड़ी को ले जाकर वहाँ पर स्पीति वैली में उतने खर्च करके जितने आप खर्च किए होंगे उतने में उनकी गाड़ी सॉर्ट आउट हो जाती, काफ़ी अच्छे से आप अपने सर्विस को सामने ले आ सकते थे। और पब्लिक पर लोग ज़्यादा पब्लिक को सुनते हैं इन्फ्लुएंसर के थ्रू, ना कि कंपनी के थ्रू, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग के माइंडसेट में बैठा हुआ है कि कंपनी अगर बोल रही है तो वो अपने सारे अगर कंपनी अगर बोल रही है तो वो अपने सारे एडवर्टीजमेंट के लिए बोल रही है। लोग ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे नहीं, लोग केवल फैंसी चीज़ें सुनते हैं, तो इन्फ्लुएंसर का लोग ज़्यादा सुनते हैं। जो रियलिस्टिक इन्फ्लुएंसर है जैसे कि अरुण पवार है, रियलिस्टिक इन्फ्लुएंसर है, जो वो फेस करते हैं वो बोल देते हैं, किसी से डरते नहीं है, कुछ भी हो जाए। बड़े बड़े कंपनी से भी वो टाइड अप हैं, बहुत बड़े बड़े लोग से भी मिले हुए हैं। तो यही था, हम लोग भी अरुण पवार के साथ हैं क्योंकि वो जो फेस किए वो बताएं। अगर उनकी कहीं गलती है तो गलती है, तो जैसा कि लोग कहते हैं कि उनकी गलती है कि वो चलते हुए गाड़ी में सनरूफ के बाहर निकल गए, तो वो अगर हिली रीजन में जाएंगे तो मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, सनरूफ के बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि अगर उतने पैसे खर्च कर कर जा रहे हैं तो उतने वो सब चीज़ करना लाजमी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इतने छोटे से रबर बैंड पे आपका पूरा सिस्टम लीक्ड है तो वो बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है, आप उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि इतनी आसानी से वो रबर बैंड हिले ना। और वो जो ड्रेनेज पाइप दिया जाता है सनरूफ के अंदर, वो ड्रेनेज पाइप भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है, जैसे ही हैवी अमाउंट ऑफ वाटर गया वो अंदर लीक करने लगी। तो यही पॉइंट था, तो इस पॉइंट को देख के ये कह सकते हैं कि ड्रेनेज पाइप को और बड़ा कीजिए और इसको इस सिस्टम को फास्ट कीजिए। और पता नहीं कैसे वो कंप्लीट माइक वगैरह सब जगह से उनका पानी आने लगा और उनका सनरूफ भी जाम हो गया, कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो अगर पानी के चलते इतना सारा फंक्शन रुक सकता है तो आपको सारी चीज़ें वाटरप्रूफ भी बनानी चाहिए। तो इस चीज़ को एज अ फीडबैक ले सकते हैं। और आप, मैं जो आप वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके इस टॉपिक पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और एज अ फीडबैक आप महिंद्रा को क्या बताना चाहेंगे, क्या महिंद्रा का स्टेप सही था, क्या वो ऑफिशियल अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किए वो सही किए या गलत किए, वो आपके ऊपर, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। अरुण पवार तो केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और महिंद्रा उसके अगेंस्ट में क्या रिप्लाई दी वो आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको एज अ कंट्रोवर्सी ले रहे हैं, मैं एज अ कंट्रोवर्सी नहीं ले रहा हूं, एज अ फीडबैक बोल रहा हूं कि महिंद्रा को क्या करना चाहिए और अरुण पवार कहां पर स्टैंड करते हैं। तो यही था ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, खत्म।